नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज सानप और आपका एक और बार हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स बज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं ड्रीम इलेवन की प्रेडिक्शन करना चाहता हूं कि कबड्डी की, तो आपने मैंने आपसे जो वोटिंग पोल लिया था उसके हिसाब से 99% लोगों ने मुझे ड्रीम इलेवन की प्रेडिक्शन करने को कहा है। तो सो मैं इसलिए आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि इस हम वीडियो में हम बात करेंगे टीम न्यूज़ के बारे में, हमारा ड्रीम इलेवन का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए और बाकी सब, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे क्रेडिट मेंटेन कर सकते हैं। और इस वक्त ड्रीम इलेवन में दोस्तों काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं और उसके मुताबिक हमें टीम हमारी क्रिएट करने में बहुत ही मुश्किल आने वाली है। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ से बात करेंगे डिफेंडर की लिस्ट में, तो यहाँ से आमिर थोड़ा जो कंफर्म खेलने वाले हैं। आपको बता दूं कि आमिर थोड़ा एकलौते ऐसे रेडर है, डिफेंडर है जो कि प्रदीप नरवाल पे भारी पड़े हैं। उन्होंने 12 बार प्रदीप नरवाल का टैकल किया है, तो उसके हिसाब से प्रदीप नरवाल उनको सिर्फ 8 बार ही आउट करने में सफल हुए है। तो आमिर थोड़ा काफी एक्सपीरियंस डिफेंडर है और आपको अपनी टीम में उन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना। यहाँ से बात करें विकास काले, तो विकास काले पटना की तरफ से राइट कवर लगाते हुए आपको नजर आ सकते हैं। जवाहर डागर काफी अच्छे ऑलराउंडर रहे, लेकिन क्यों उनको डिफेंडर की लिस्ट में दिया है ये मुझे पता नहीं चल रहा। और जवाहर डागर भी राइट कॉर्नर खेलेंगे। सुनील काफी अच्छे प्लेयर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तमिल तलाइवास उनको कोई चांस देगी प्लेइंग इलेवन में। लेकिन आप अगर ग्रैंड लीग खेले, ग्रैंड लीग की टीम में सुनील को आप ट्राई कर सकते हैं। आगे की बात करें यहाँ से, तो सी अरुण काफी अच्छे प्लेयर है और लेफ्ट कवर लगाएंगे, आप उनको अपनी टीम में जरूर लेना। मनीष की बात करेंगे तो दोस्तों पटना की टीम ने पिछले 2 साल मनीष को एज ए सरप्राइज पैकेज लाते थे। जब कोर्ट में 3 या 4 डिफेंडर मौजूद होते थे तो मनीष को वो सब्स्टिट्यूट करके सुपर टैकल के लिए टीम में ला सकते हैं। एक ही सुपर टैकल स्पेशलिस्ट है दोस्तों, सुपर टैकल स्पेशलिस्ट, तो आप उनको भी अपने टीम में शामिल करना। और बात करें तो यहाँ से जयदीप काफी बढ़िया ऑप्शन है, मैं उनको अपनी टीम में रखूंगा और आप भी जरूर उनको अपनी टीम में रखें। यहाँ से बात करें तो विजय कुमार की कोई अभी तक मुझे न्यूज या अपडेट नहीं मिला। डिगोपू भी खेल सकते हैं लेकिन चांसेस कम है। और यहाँ से ये कुमार तो नहीं खेलेंगे, रविंदर कुमार। दोस्तों दर्शन काफी बढ़िया प्लेयर है और तगड़ा ब्लॉक लगाते हैं, तो आप उनको अपनी टीम में जरूर शामिल कर सकते हैं। जिमिन दोस्तों कोरिया के प्लेयर है और पिछले साल बेंगाल वॉरियर्स की तरफ से लेफ्ट कवर लगाते थे, शायद उनको मौका ना मिले क्योंकि यहाँ से उनकी टीम में सी अरुण नाम का काफी अनुभवी डिफेंडर है, इसलिए उनको मौका तो नहीं मिल सकता। लेकिन अगर ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं आप, तो जिमिन को अपने टीम में शामिल करना। तो दोस्तों मैं यहाँ से पिक करूंगा अमित थोड़ा को और उसके साथ साथ जयदीप को। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से आपके पास काफी बढ़िया ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि मंजीत चिल्लर, आप देख सकते हैं 65% लोगों ने उनको टीम में शामिल किया है, काफी बढ़िया ऑलराउंडर है। लेकिन पिछले 2-3 साल से उन्होंने रेड मारना थोड़ी सी कम की, वो आप उनको एज ए डिफेंडर ही खिला सकते हैं, मतलब वो एज ए डिफेंडर ही खेलेंगे, ज्यादातर आपको रेड्स में जाते हुए नहीं दिखेंगे। कुलदीप सिंह एक और काफी बढ़िया ऑलराउंडर है जो मुंबई ने उनको लीव किया है और वो अब पटना की तरफ से खेलेंगे। विजय की बात करें तो विजय पिछले साल भी पटना से ही थे और उनको पटना ने रखा था एज ए कार्ड यूज करके, जो उनका रिटेंशन कार्ड यूज करके विजय को रखा था, तो इसका मतलब पटना के जो मैनेजमेंट है उनको विजय के ऊपर काफी बढ़िया भरोसा है और विजय भी लगभग 99% खेलेंगे। ताइदियो क्यों बेंच पे बैठे रहेंगे क्योंकि उनको तो मौका नहीं मिलने वाला। प्रदीप बिरवाल भी नहीं, चांसिक पार्क भी नहीं खेलेंगे। यहाँ से बात करें तो डी प्रताप आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों, डी प्रताप को आप अपनी टीम में जरूर रखना, और रेड भी अच्छी तरफ से मारते हैं और लेफ्ट कवर भी लेफ्ट कॉर्नर भी लगाते हैं। ये देख सिर्फ 16% लोगों ने अभी तक उनको लिया है, अगर आप चाहे तो उनको
कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं अपनी ड्रीम इलेवन टीम में, और ग्रैंड लीग खेले तो उनको अपनी टीम में जरूर शामिल करना। तो यहाँ से अरविंद कुमार भी नहीं खेलेंगे, विमल राय भी नहीं खेलेंगे और विक्टर भी नहीं खेलेंगे। उनको शायद एज ए सब्स्टिट्यूट कभी तो बुला सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस में वो नहीं खेलेंगे। तो मैं यहाँ से शामिल करूंगा विजय को और प्रदीप को। दोस्तों मैं यहाँ से मंजीत चिल्लर और कुलदीप सिंह को अपनी टीम में शामिल करना चाहता था, लेकिन आप देख सकते हैं इस बार ड्रीम इलेवन ने बहुत ही बढ़िया दाव खेला है। क्रेडिट इतनी हाई की है, कम से कम 11 क्रेडिट है। तो हमें जो हमारे रेडर सेक्शन में प्रदीप नरवाल और अजय ठाकुर की क्रेडिट 17.5 और 16.5 है, हमें उनको अपनी टीम में लेने के लिए हमें मंजीत चिल्लर और कुलदीप सिंह को अपनी टीम में हम नहीं ले सकते। लेकिन आप चाहे अगर कहीं से आप क्रेडिट मेंटेन करें तो उन दोनों को आप जरूर शामिल करना चाहे तो कर सकते हैं। वो 100% खेलने वाले रेडर सेक्शन की बात करें तो प्रदीप नरवाल और अजय ठाकुर से बेहतर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप किसी दोनों को, एक को अजय को कैप्टन करें तो प्रदीप को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। दोनों बढ़िया प्लेयर हैं और दोनों अपनी अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे और लगभग 100% खेलेंगे। अगर मैच के पहले कुछ प्रैक्टिस सेशन में इंजरी नहीं होती तो नहीं तो लगभग खेलेंगे ही खेलेंगे। उसके साथ साथ दीपक नरवाल भी खेलेंगे। दोस्तों आपको याद होगा तो फर्स्ट जब पटना ने सीजन 3 में मारा चैंपियनशिप जीती थी तब इनका काफी अच्छा योगदान था उसमें। उसके साथ साथ गुजरात ने फॉर्चून जाइट ने उनके कैप्टन सुकेश हेगड़े को लीव किया है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया उन्होंने क्यों लीव किया है। वो भी काफी बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए टीम में लेने से। सुरजीत सिंह भी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन कितना खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, मैच फिटनेस कितनी है उस पर थोड़ा सा डाउट है मुझे। आप उनको चाहे तो सिर्फ ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए मैं आपको उन्हें लेने की प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, या मैं उन्हें आप लेना ही मत स्मॉल लीग की टीम में। अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप ले सकते। तो मैंने यहाँ से लिया है तुषार पाटिल को, जो पिछले साल पिंक पैंथर की तरफ से खेल रहे थे और काफी बढ़िया प्लेयर है। आप चाहे तो जसवीर सिंह को भी अपनी टीम में ले सकते हैं। देखते हैं, हम उन्होंने सिर्फ 12% लोगों ने उन्हें टीम में शामिल किया। अगर आप चाहे तो जसवीर को ग्रैंड लीग की टीम में ही शामिल करना, क्योंकि तमिल के पास अजय ठाकुर, उसके साथ साथ सुकेश हेगड़े और सुरजीत सिंह जैसे बढ़िया रेडर है, तो मुझे लगता है जसवीर सिंह के खेलने के चांस कमी है। यहाँ से विकास को मत लीजिए, यमेश अतुल, अनिल कुमार, मंजीत, ये कोई भी दोस्तों आपके लिए सेफ ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहे तो सिर्फ इस आनंद को ग्रैंड लीग की टीम में यूज कर सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग खेले तो इस आनंद को ले सकते हैं। उन्होंने नेशनल लेवल पे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। तो बात करें हमारे टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो यहाँ से अजय ठाकुर और प्रदीप नरवाल दो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। अगर आप अजय ठाकुर को लेना चाहते हैं तो आप अजय ठाकुर को ले सकते हैं कैप्टन, प्रदीप नरवाल को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। अगर चाहे तो प्रदीप को कैप्टन या अजय को वाइस कैप्टन, मैं तो अजय को कैप्टन और प्रदीप को वाइस कैप्टन रख रहा हूँ। अगर आपको मंजीत चिल्लर को अपनी टीम में लेना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ से विजय को हटाकर और यहाँ से तुषार पाटिल को हटाइए। यहाँ से फिर आप मंजीत चिल्लर को ले सकते हैं और 11.5 का जो क्रेडिट है, या से आप अनिल कुमार को ले सकते हैं, जो कि लगभग 99% तो नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर मंजीत चिल्लर अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो आपका उसका फायदा होगा। तो यहाँ से आप विजय को ले लीजिए, नहीं तो आनंद को ले लीजिए, और ऐसे फिर आप मंजीत चिल्लर को अपनी टीम में ले सकते। तो ये बात हुई हमारे टीम की, जो हम, लेकिन मैं तो जाऊंगा सेफ प्लेयर की जो कंफर्म खेलने वाले हैं। यहाँ से मैं लूंगा मंजीत को हटा के जाऊंगा विजय के साथ और यहाँ से तुषार पाटिल। तो ये मेरी रही टीम, ये मुझे लगता है सबसे सेफ टीम है स्मॉल लीग के लिए। अगर आप ग्रैंड लीग खेले तो कुछ और भी कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइनल प्रीव्यू की बात करें, उसके साथ साथ डी प्रताप और विजय के साथ गया हूँ। प्रदीप और तुषार पाटिल रेडर रहेंगे। तो यहाँ से बात करें तो अगर
दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर आप पहली बार अब टीम का ही हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जो अब पूरी जितनी भी कबड्डी की मैचेस आएंगे लगभग 99% हर मैच को कवर करने की कोशिश करूंगा। और आपको अगर आता है वीडियो पसंद तो जरूर लाइक कीजिए, अगर नहीं आता पसंद तो अनलाइक भी आप हद से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अच्छे अच्छे ड्रीम इलेवन की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।